एनएसयूआई संगठन ने जीसी कॉलेज के नजदीक सेंट एंजेलम स्कूल के बाहर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और लगातार 30 दिन में हो रही बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग रखी है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि मिशनरी स्कूलों द्वारा हर साल 20-25% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिसके चलते अभिभावकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों का पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अगर मिशनरी स्कूलों द्वारा 3 दिन में फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो एनएसयूआई संगठन कुछ भी करने को तैयार है। फीस बढ़ोतरी को लेकर आज स्कूल के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया और स्कूल प्रबंधन से फीस कम करने की मांग रखी है। जिस तरह मिशनरी स्कूलों की मनमानी चल रही है, इनके द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, इनके द्वारा इस बार पिछले सत्र की अपेक्षा इस बार फीस बढ़ाई है और फीस में काफ़ी बढ़ोतरी की है। इन मिशनरी स्कूलों में अधिकतर मीडियम क्लास फैमिली से बच्चे पढ़ते हैं और मीडियम क्लास फैमिली की ये स्थिति होती है कि उन पर रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी लाना बहुत दिक्कत की बात है और उसमें महंगाई के दौर में जो फीस बढ़ोतरी करी है उनमें उनकी कमर तोड़ी है। इससे जो अभिभावक है वो अवसाद में है कि ये किस फीस किस तरह जमा कराई जाए। इसी को लेकर आज एनएसयूआई संगठन द्वारा विरोध किया गया कि जो फीस बढ़ाई है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि सिर्फ मिशनरी स्कूलों की मनमानी है और बाकी कई प्राइवेट स्कूलों में ऐसी कोई है नहीं, क्योंकि इनके द्वारा ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं और ना ये हाईकोर्ट के नियमों को ना मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों को मानते हैं। अगर मिशनरी स्कूलों द्वारा ये जो फीस बढ़ाई है वापस नहीं ली गई तो एनएसयूआई संगठन द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे शैक्षणिक बंद का आह्वान करना पड़े या भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, इसके लिए एनएसयूआई का हर छात्र खड़ा है। एनएसयूआई स्कूल में आए थे फादर को ज्ञापन देने, लेकिन फादर किसी मीटिंग में, इसलिए यहाँ के स्टाफ ने ज्ञापन लिया और हमें आश्वस्त किया कि इस पर जरूर जल्दी कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है, हम 3 दिवस का अल्टीमेटम दिया, 3 दिवस में कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम अपने आगे की कार्रवाई करेंगे।